Hello, Esther. Yes. सर कैसे हो आप सब लोग। तो ये जो कि आप देख रहे हो एमजी एस्टर की, जो कि अभी हाल ही में जो है अनवील हुई है, लॉन्च अभी नहीं हुई है, प्राइसिंग वगैरह जो अभी नहीं आई है, बट प्राइसिंग वगैरह जो है काफ़ी जल्दी कंपनी रिवील कर देगी। तो ये जो इसका ब्लैक कलर है, जिसका वॉकराउंड मैं आपको दिखाने वाला हूँ एंड फुल जो है फीचर्स वगैरह के बारे में भी आपको बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं की से, यहाँ पर जो आपको लॉक अनलॉक एंड जो है बूट ऑनर का बटन मिल जाता है। तो अभी जो अनलॉक कर लेते हैं, तो जब मैं अनलॉक करता हूँ इसको, तो यहाँ पर जो DRS वगैरह इसकी ऑन हो जाती है। और स्टार्ट पहले इसकी हेडलाइट से ही स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको LED प्रोजेक्टर मिल जाता है, ये जो यहाँ पे डायमंड टाइप आपको देखने मिलती है इसकी लाइट, जो कि एक सिर्फ रिफ्लेक्शन के लिए दिया गया है, जिससे ये और ज़्यादा खूबसूरत लगती है रात में जब रोड पे चलती है। तो उसके अलावा यहाँ पे जो है आपको काफ़ी बड़ा MG यहाँ पे लोगो देखने को मिल जाता है। नीचे की साइड में कैमरा मिल जाता है, जो कि 360 में भी यूज़ होता है एंड आप वैसे इसको जो फ्रंट व्यू वगैरह चेक कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सही जो है आपको ग्रीन दीजिए, जिसके अंदर जो है यहाँ पे आपको काफ़ी चैनसेंट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। नीचे जो है नंबर प्लेट प्लेस कर सकते हो एंड नीचे की साइड में जो है यहाँ पे आपको एयरबैग्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी स्पोर्टी जो इसका पूरा बम्पर है, यहाँ पे भी जो काफ़ी स्पोर्टी डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा, जो कि इसमें ज़्यादातर आपको स्पोर्ट्स कार में देखने को मिलता है। जो डिज़ाइन आप देख रहे हो, नीचे फोग लैंप आपको मिल जाते हैं, जो कि हेलोजन में है। यदि साइड में आऊँ तो यहाँ से जो है कुछ ऐसी आपको देखने को मिलेगी। तो हम उस साइड से स्टार्ट करते हैं, इसके व्हील वगैरह के बारे में आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर जो है आपको डायमंड कट अलॉय व्हील देखने को मिलते हैं, MG का लोगो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको। रेड कलर के जो है यहाँ पे कैलिपर्स आपको देखने को मिलेंगे। डिस्क ब्रेक फ्रंट में मिल जाते हैं, कॉन्टिनेंटल जो है टायर आपको मिलता है। जो साइज़ है वो आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो साइज़ है वो है 215 सेक्शन का, 55 प्रोफाइल इसके एंड R17 जो आपको साइज़ देखने को मिलेगा। तो ये भी जो काफ़ी सही साइज़ में रखा गया है। यहाँ पे जो अपने लोगो देखने को मिल जाता है अपना, ब्रिटिश का अगर लोगो होते चाइनीज़ बटवाई ऐसा नहीं है, एक बार आप जो है रिसर्च कर लो गूगल पे। यहाँ पे जो है आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं ORVM के अंदर ही, जो कि हेलोजन में LED में होता ज़्यादा बेटर होता, बट कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी आपको देगा। यहाँ पे जो आपको क्लियर एंट्री मिल जाती है ड्राइवर साइड, पीछे की साइड में जो आपको कोई क्लियर एंट्री वगैरह नहीं मिलती, क्योंकि सेगमेंट में जो आपको सिर्फ ड्राइवर साइड ही देखने को मिलती है। यहाँ पे जो ए पिलर आपको बॉडी पेंट में देखने मिलेगा, यहाँ पे बी पिलर जो आपको मैट ब्लैक में और सी पिलर जो है मैट ब्लैक में आपको देखने को मिल जाता है। यदि रियर प्रोफाइल में आऊँ तो यहाँ पे जो आपको फील कर देखने को मिल जाती है, जो टेल लाइट है वो आपको फुली LED में देखने को मिलती है। तो ये ऑन करके देख लेते हैं, फिर जो है ज़्यादा अच्छी आपको देखने को मिलेगी। तो की से ही मैंने ऑन कर ली फिलहाल, तो यहाँ पे आप चेक करो, यहाँ पे पूरी LED जो है DRL आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे LED टेल लाइट्स आपको देखने को मिलती है, जो रिवर्स और इंडिकेटर है वो आपको जो है हेलोजन में देखने को मिलता है। जैसे मैं इसको भी लॉक करता हूँ तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो ये सीन है, नीचे जो है एडवांस की पूरी आपको बैटिंग देखने को मिल जाती है, जो काफ़ी जो सेफ्टी फीचर के साथ में जो है लोडेड आता है। उसके अलावा जो है यहाँ पे आपको पूरा MG का लोगो देखने को मिल जाएगा, ऐसे ही पूरी जो है 3D बैटिंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है। यहाँ पे वाइपर देखने को मिल जाता है, इंफोकर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे जो है हाईस्टॉप माउंट आपको देखने को मिल जाता है। नीचे की साइड में जो है ZS की आपको बैटिंग देखने को मिल जाएगी, जो कि आपको पता है ZS पूरी बेस्ड है। यहाँ पे जो है रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको देखने मिल जाएंगे, एक सेंटर देखने को मिल जाता है विंडो की साइड में, एंड टोटल जो है 3 पार्किंग सेंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो पीछे का जो पूरा इसका बम्पर वो भी काफ़ी स्पोर्टी आपको देखने को मिलेगा ड्यूअल टोन में। यहाँ पे जो क्रोम का यूज़ किया गया है, ये जो एग्जॉस्ट है ये एग्जॉस्ट टाइप यूज किया गया है, बट यहाँ पे एक सिर्फ डिज़ाइन है, बाकी जो एग्जॉस्ट आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो आपको ट्रेस कर पाओगे, इसके अलावा जो साइड से कुछ ऐसा व्यू है इसका पूरा, और जो पीछे वाला व्हील है उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। सेम साइज है, सेम सब चीज़ है, LPG की साइड में भी आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। अभी जो अंदर चल लेकर अंदर जाकर देखते हैं, उससे पहले आपको एक और चीज़ दिखा दूँ, आपको जो है तो को पैसिंग साइज जो है किले सेंटर देखने को मिलती है। ज़्यादातर गाड़ियों की आप आपको जो ड्राइव साइड दे दी जाती है, बट यहाँ पर दोनों साइड आपको देखने मिलेगी। तो यहाँ पर को पैसेंजर जो है सही फीचर आपको हो चुका है। चलिए अंदर चलकर अंदर देखते हैं क्या कुछ फीचर ये गाड़ी ऑफर करती है आपको। तो यहाँ पे जो सबसे पहले तो आपको क्लियर एंट्री है, यदि कि आपकी जेब में काफ़ी जो सामान है, तो यहाँ से जो है आराम से इसको जैसे ये लॉक होंगे तो अनलॉक करने के लिए अगर मैं इसको प्रेस करूँगा तो गाड़ी जो अनलॉक यहाँ पे हो जाएगी। डुअल टोन में जो पूरा लेदर जो है ट्रीटमेंट यहाँ पर आपको देखने मिलेगा रेड कलर का, यहाँ पर जो सिल्वर कलर मिलता है, यहाँ पर प्लास्टिक का जो बटन यूज़ किया गया है, पूरा जो ओवरऑल काफ़ी अच्छे कम्बिनेशन यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर जो है 1 से 1.5 लीटर की बोतल का पूरा स्पेस दिया गया है, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर मिल जाता है, यहाँ पर थोड़ा स्पेस देखने को मिल जाएगा। चारों पावर विंडो कर सकते हो,
उसके बाद हम यहाँ से भी आपको लोगों को रिव्यू बटन देखने को मिल जाता है, क्योंकि आपको यहाँ से भी मेरा स्टॉप नहीं होता। अभी जो आपको सीट की एडजस्टमेंट दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे सीट हाइट वगैरह और जो बैकेज को नहीं, जो आपको इलेक्ट्रॉनिक चीज देखने को मिलते हैं, इंटीरियर में चलते हैं, देखते हैं आपको फीचर ऑफर करती है कंपनी। तो सबसे पहले उसकी चेक करें, एनजी का बटन की रेकमेंडेशन देखने मिल जाता है, फिर बटन आपको मिलते हैं। तो इसको रखता हूँ इस साइड में, और यहाँ पे जो एनजी में एक काफ़ी अच्छा जो परफ्यूम यहाँ पर रखा है, जो कि आप भी उनकी जो एसेसरीज वगैरह परफ्यूम ले सकते हो, तो जो यहाँ पे शोरूम में आपको ये मिल जाएगा। तो ये जो ऑटोमेटिक वेरियंट है जो हमने आपको यहाँ पहले रिव्यू में दिखाया था, वो भी सेम है। तो यहाँ पर मैं इसको ऑन कर देता हूँ क्लस्टर को, तो क्लस्टर चेक करना काफ़ी गजब का बेस का क्लस्टर है पूरा ही। उसके अलावा यहाँ पे जो अपना AI वो शेड्यूल मिल है, तो यहाँ पे आप इसको कमांड दे सकते हो। चलिए भी AI के साथ में अपन थोड़े से मजे लेते हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले बोलता हूँ मैं, हेलो एस्टर। हेलो एस्टर, खुल जा सिम सिम। ये देखो, ये जो है इंग्लिश कमांड के साथ में आते हैं। तो अभी मैं इसको जैसे कुछ AC वगैरह की कमांड दूंगा तो वो जो अभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो है जब गाड़ी स्टार्ट होती है तभी जो है वर्क करती है। लाइक अभी जो मैं स्टॉप कर रहता हूँ, पहले तो अभी जो है बंद करवाते हैं इससे। हेलो एस्टर, क्लोज द सनरूफ। तो ये देखो क्लोज इसने कर दिए। तो इस तरह जो आप यूज कर सकते हो, काफी ज्यादा इस पे एडवांस बनाया गया है।